वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 11 मीशो रैंडम फाइंड्स, जिसमें कि कुछ होम डेकोर्स होंगे, कुछ किचन टूल्स होंगे एंड कुछ पर्सनल केयर के भी सामान होंगे, मतलब कुछ मैंने खुद के यूज़ के लिए भी मंगवाया है। एंड ये सभी प्रोडक्ट्स आप 110% मैं ये कह सकती हूँ आपके किचन में या फिर आपके घर में यूज़ होंगी ही होंगी। एंड मैंने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में ट्राई किया, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट थोड़ा सा हाई रेंज का है, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स अंदर 300 होने वाले हैं। सो 300 के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन मैं लेकर के आई हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये वाली कलेक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। सो आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए, सो मैं नेक्स्ट इस टाइप की और भी कुछ कलेक्शन लेकर के आऊँगी। सो या अगर वीडियो अच्छी लग रही है मेरी तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अब चलते हैं सीधा वीडियो में। सो फर्स्ट प्रोडक्ट होने वाली है ये बहुत ही क्यूट सी स्मॉल सी प्लांट्स एंड ये होम डेकोर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब आप इसको किसी भी रैक्स में रख सकते हो, किसी भी जगह पे रख सकते हो। सो ये देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी एंड मैंने टोटल ग्रीन कलर मंगवाया है, इसमें और भी शेड्स थे, मतलब आप कलरफुल भी मंगवा सकते हो, बट ये ग्रीन वाला ओवरऑल एक मोनोक्रोम लुक दे रहा था सो मैंने इसको मंगवाया है। एंड ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, पिक में देखने में भले ही थोड़े से बड़े दिख रहे थे लेकिन ये बहुत टाइनी से है, आप मतलब देख सकते हो मेरे हैंड पे कितने छोटे छोटे से आ रहे हैं। प्राइस की बात की जाए तो इसे मैंने 134 रुपीज़ मंगवाया था, वैसे इसका प्राइस थोड़ा सा और ज़्यादा है लेकिन अगर आप मीशो से रेगुलरली परचेज करते रहते हो तो आपको मीशो पे पॉइंट्स भी मिलते हैं, सो मैं उसी पॉइंट्स को अप्लाई करती हूँ तो मेरे को थोड़े से और डिस्काउंट मिल जाते हैं। सो या ये मैंने क्यूट से फ्लावर्स मंगवाए हैं, पॉट मंगवाए हैं, ये मैं अपने LED कैबिनेट पर रखती हूँ, सो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में। कुछ इस टाइप से प्लांट्स मिल जाएंगे, सब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेंगे। ये थोड़े से ग्रास वाले हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के हैं, ये सबसे डिफरेंट वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, टाइनी से हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो या ये वाला मैंने फर्स्ट परचेज मंगवाया है। तो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है इन प्लांट्स को रखने के लिए रैक्स। सो सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ किस टाइप से ये मुझको रिसीव हुआ था, मैंने ऑलरेडी ओपन करके देख लिया है। सो इसमें आपको मिलेंगे 4 रैक्स एंड ये कुछ इस तरीके से हैं, आपको कुछ ऐसे असेंबल करना होगा। ये वुडन है, मतलब बहुत ही पतला सा जो वुडन आता है ना कार्डबोर्ड टाइप का, ये कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। इसमें और भी शेप्स अवेलेबल थे बट मैंने ये वाला मंगवाया क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड ये आप कहीं पर पेस्ट कर दोगे ना तो ये अच्छा लगेगा। वैसे आप इसमें कील के लिए भी आपको दिया गया है, सो आप कील अटैच करके भी इसको अटैच कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक असेंबल करके आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप से असेंबल होता है। सो कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपली यहाँ पे जो होल्स दिए हुए थे ना, मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ, इसमें यहाँ पे होल्स आपको मिल जाएंगे एंड इसी होल्स में आपको अटैच करना है। इसमें आपको ये कुछ स्टेप से कटिंग मिल जाएगी एंड आपको इस टाइप से अटैच करना है एंड आप इसमें स्मॉल से फ्लावर्स रख सकते हो, पॉट रख सकते हो, कुछ इस टाइप से आप इसमें पॉट रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। वैसे तो ये बहुत छोटा है, पिक में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा था बट कोई नहीं, इस फ्लावर पॉट के लिए ये वाला रैक बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। वैसे मैं कहीं पे भी कील लगाना नहीं चाह रही हूँ, सो मैं सोच रही हूँ कि इसको डबल साइडेड टेप से पेस्ट कर दूंगी कहीं पे। सो ये या होम डेकोर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो अगर प्राइस की बात करूँ तो इसे मैंने परचेज किया 116 रुपीज़ में। सो 116 रुपीज़ में आपको 4 रैक्स मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से एंड इसको अटैच करने के लिए ये वाले स्टैंड भी मिल जाएंगे। सो 116 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे इसकी भी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन जब मैंने लिया था तो ये थोड़ी सी सेल में चल रही थी, दैट्स व्हाई मैंने इसको परचेज किया। इसमें और भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, इसमें एक लव लिखा हुआ भी आता है, वो भी बहुत प्यारा था, सो वो भी मैं परचेज करने का सोच रही हूँ। सो या आप ये वाली डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है इयररिंग्स का सेट एंड ये 12 का सेट मैंने मंगवाया है कुछ इस टाइप से। आपको ये स्मॉल से झुमके मिल जाएंगे एंड इसमें टोटल 12 आपको इसमें इयररिंग्स का सेट मिल जाएगा एंड ये एक मेरे से खो गया है, पता नहीं मेरे से कहाँ खो गया है, सो मैं डेफिनेटली इसको ढूंढ के रहूँगी। सो या ये कुछ इस टाइप से आपको छोटे छोटे से झुमका मिल जाएंगे, आप किसी भी आउटफिट पे पहनना चाहते हो तो आपको हर कलर के झुमका मिल जाएंगे, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, हर एक पिंक का हर बहुत सारा शेड है, येलो है, ब्लू एंड ग्रीन का बहुत सारा शेड है। सो या डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। इसे मैंने परचेज किया था 211 रुपीज़ में। सो 211 के अकॉर्डिंग आपको 12 इयररिंग्स का सेट मिल रहा है, सो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे से भी है लेकिन जैसे आप कहीं हल्के फुल्के से फंक्शन में जा रहे हो या फिर कहीं पर भी मार्केट वगैरह जा रहे हो तो अगर आपको थोड़ा सा झुमका स्टाइल में पहनना है तो आप ये छोटे वाले इयररिंग्स पहन सकते हो। मैंने भी इसीलिए मंगवाया कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा हैवी पहनना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सो मैं स्मॉल पहन सकूँ इसलिए मैंने इसको मंगवाया। ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पीछे से आपको इसमें ये रबर वाले स्टॉपर मिल जाएंगे, सो कुछ इस टाइप से ये आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये। सो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है होम डेकोर के लिए कुछ इस टाइप से पाम के प्लांट्स, ये आई थिंक पाम के प्लांट्स ही बोलते हैं इसको, कुछ इस टाइप से था। ये थोड़ा सा आपको निकला हुआ मिलेगा, आपको इसको असेंबल करना पड़ेगा खुद से एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये अभी जब हम मेरे को रिसीव हो रहा था ये बहुत चिपका सा था, कुछ इस टाइप से था, मैंने इसको फैला करके कुछ ऐसे बड़ा सा बना लिया
दिया है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये इसे मैंने परचेज किया था 246 रुपीज़ में। 246 के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है, मतलब इसके नीचे आपको एक भी प्लांट नहीं मिलेगा। जो सबसे सस्ता वाला था वो मैंने मंगवाया है। सो या ये वाली प्लांट आप मंगवा सकते हो अगर आपको अफोर्डेबल रेट में चाहिए। सो मैंने इसको रखने के लिए भी कुछ मंगवाया है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। सो या ये वाली मैंने मंगवाई, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको मंगवा सकते हो। और देखने में बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रही है, ये बहुत ही नेचुरल लुक दे रही है। मतलब यहाँ पे लाइट कलर की भी पत्तियाँ हैं, यहाँ पे डार्क कलर की भी शेड है, सो देखने में बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है अपने किचन के लिए, एंड आप मुझे इसको देख के बताना कि क्या मुझे ये महंगे रेट में मिला या फिर बाज़ार में इससे सस्ते में भी मिल जाता है। सो ये मैंने मंगवाया है 24 का स्पून एंड फोक का सेट। सो आपको 12 स्पून मिल जाएंगे एंड 12 इसमें फोक मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं इसको थोड़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ स्पून को, तो कुछ इस टाइप से आपको 12 स्पून मिल जाएंगे। पतले से हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये। कुछ इस टाइप से आपको स्पून मिल जाएंगे एंड इसमें फोक भी दिए गए हैं 12, आपको कुछ इस टाइप से फोक मिल जाएंगे। सो इसके लिए मैंने पे किया 131 रुपीज़। तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि मार्केट में क्या इससे भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। मतलब मुझको तो ये चाहिए था, मुझको घर के लिए चाहिए था, दैट्स वाई मैंने इसको परचेज किया। वैसे अगर मार्केट में इसे सस्ते में मिल जाएंगे तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट टाइम से इस टाइप की चीज़ें नहीं मंगवाऊंगी मीशो से। नेक्स्ट आइटम होने वाली है ये मल्टीपर्पज स्टोरेज बॉक्स, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। आप इसको वेजिटेबल के लिए रख सकते हो, फ्रूट्स के लिए रख सकते हो, या फिर आप कुछ भी रखने के लिए, मेकअप वगैरह भी रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ इस टाइप से आपको 4 का रैक मिल जाएगा एंड इसमें असेंबल करने के लिए आपको कुछ इस टाइप से स्टैंड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टैंड्स दिए गए हैं। एंड सबसे नीचे वाले में असेंबल करने के लिए आपको कुछ इस टाइप से ऐसे असेंबल करने के लिए मिल जाते हैं। एंड सबसे ऊपर में रखने के लिए आपको कुछ इस टाइप से डॉट्स मिल जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला सबसे ऊपर में रखना है। तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे एंड इसमें शेप भी बहुत सारे थे, स्क्वायर में भी था, रेक्टेंगल में भी था, सर्कल में भी था, एंड कलर्स के ऑप्शन बहुत सारे थे, पिंक, येलो, एंड मैंने येलो ही किया था आई थिंक। मुझे मतलब रैंडमली मीशो में कुछ भी आ जाता है, सो ये ब्लू कलर में मुझको रिसीव हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मैं ओपन करके दिखाती हूँ एंड मैं एक आपको असेंबल करके भी दिखाती हूँ कि इस टाइप से आपको यहाँ पे छोटे से पार्ट मिलेंगे, मतलब छोटा सा यहाँ पे होल मिलेगा। सो इसको आपको यहाँ पे अटैच करना है, जहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे ये मिल रहा है, सेम ऐसा ही ये जो छोटा सा नीचे वाला पोर्शन है ये आप नीचे की साइड पे इसको असेंबल कर सकते हो। सो ये बहुत ही ईजिली असेंबल हो जाएगा एंड मैं इसको अभी ओपन करके लाई हूँ, मैं इसमें ऑलरेडी इसमें वेजिटेबल्स डाल चुकी थी। सो यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी की एंड 4 का सेट आपको मिल रहा है। सो प्राइस की बात की जाए तो इसे मैंने परचेज किया था 236 रुपीज़ में। सो प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब मैंने मार्केट में भी चेक किया तो 300-400 के अप्रॉक्स में ही मिल रहा था। सो मीशो पे मेरे को ये बहुत सस्ते में मिल गया था, दैट्स वाई मैंने इसको किचन के लिए रखा है। अगर आपको किचन में स्टोरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो आप इस टाइप की स्टोरेज बॉक्स ले सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड सब्जी वगैरह रखने के लिए एक साथ सब कुछ असेंबल हो जाता है। सो ये वाली प्रोडक्ट आप अपने किचन के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या होने वाली है। सो इसमें मैंने मंगवाया है गोल्डन कलर की ब्लाउज, एंड आई थिंक हमारे वार्डरोब में ना एक गोल्डन एंड एक सिल्वर कलर की ब्लाउज होनी चाहिए, बिकॉज सिल्वर एंड गोल्डन ऐसा कलर होता है कि आप किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। सो ये कुछ इस टाइप से था, इसकी नेक आगे से आपको वी नेक मिल जाएगी एंड बैक साइड से आपको कुछ बहुत ही डीप सा नेक मिल जाएगा। इसमें आपको कप्स भी अटैच करके मिली है एंड कप की क्वालिटी बहुत सॉफ्ट सी है, बहुत सॉफ्ट सा कप है। इसमें पूरे पे आपको धागे का थ्रेड का वर्क मिल जाएगा एंड साथ में आपको यहाँ पे सीक्वेंस भी अटैच करके मिलेगी। सो पूरा आपको सीक्वेंस एंड थ्रेड वर्क वाला मिल रहा है, पीछे साइड से आपको लटकन भी मिल जाएगी। सो अंदर अगर आपको स्लीवलेस नहीं पहना तो इसमें अंदर में आपको स्लीव्स के लिए भी मिल रही है। सो ये बहुत अच्छी लग रही थी एंड गोल्डन में बहुत चमकने वाली गोल्डन नहीं थी, ये दैट्स वाई मैंने इसको लिया है। थोड़ी सी येलोइश, थोड़ी सी मतलब क्रीमिश टाइप की जो गोल्डन होती है ना, उस टाइप की है। सो आप इसको किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो। प्राइस की बात की जाए तो इसे मैंने परचेज किया था 272 रुपीज़ में। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाली ब्लाउज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी किसी भी साड़ी के साथ ये वाली ब्लाउज चली जाएगी। तो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है एक और प्लांट एंड ये पिछले वाले से थोड़ी सी छोटी है एंड ये दूसरे टाइप का आपको प्लांट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो ये भी देखने में बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा शाइन है इसमें एंड इसमें भी थोड़ा सा शेड वगैरह मिल रहा है, मतलब यहाँ पे लाइट भी है, डार्क शेड भी है। सो ये भी आई थी तो कुछ इस टाइप से आई थी, एकदम सिकुड़ के आई थी, मुझे लगा ही नहीं था कि ये कैसे मैं इसको अटैच करूँगी। सो कुछ इस टाइप से थी, आपको इसको फैलाना पड़ेगा एंड ये भी निकल सकता है आपको, इसको ये डिसमेंटल हो सकता है, आपको इसको असेंबल करना होगा। सो कुछ इस टाइप से है, आप चाहो तो किसी भी चीज़ में, मैं तो ऐसे ही रखती हूँ पॉट में, ये बिल्कुल भी हिलती विलती नहीं है। सो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मेरे को रिसीव हुई। अगर इस प्लांट की प्राइस की बात की जाए तो इसे मैंने 129 रुपीज़ में परचेज किया था, वैसे कुछ सेल में ही मैंने लिया होगा एंड मीशो पे हमेशा कोई ना कोई सेल चलती रहती है। सो यार सेल के टाइम पे आपको ये बहुत ईजिली कम प्राइस में भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगती है देखने के बाद। एंड जब मैं इसके साथ वाला पॉट आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉट में रखने के बाद कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो नेक्स्ट मैंने मंगवा ली है एक और ब्लाउज एंड ये मैंने सिल्वर कलर में मंगवाई है। मैंने कहा था ना कि एक गोल्डन एंड एक सिल्वर होना ज़रूरी है हमारे वार्डरोब में, सो ये मैंने सिल्वर कलर में मंगवाई है।
इसमें पूरे में आपको अंदर से एम्ब्रॉयडरी या फिर वीविंग वर्क मिल जाएगा, पूरे से आपको कपड़े पे ही वर्क करके मिल रहा है। ये सिल्वर कलर में है, दूर से देखने में ये थोड़ी सी व्हाइटिश काइंड ऑफ सिल्वर लग रही है, उतनी ज़्यादा शाइन नहीं कर रही है ये। सो बैक साइड से कुछ इस टाइप से डीप नेक है एंड आगे से गोल इसका नेक दिया गया है एंड इसमें कोई भी पैडिंग नहीं दी गई है। आप चाहो तो इसमें पैडिंग भी अटैच करवा सकते हो, उसके बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, लेकिन मुझे ये ऐसे ही चाहिए था इसलिए मैंने इसको बिना पैड वाला ही परचेज किया है। पीछे की साइड से आपको लटकन भी मिल जाएगी एंड इसमें मेरा साइज़ है 34, सो मैंने दोनों ब्लाउजेस के साइज 34 मंगवाई है एडजस्टेबल वाले। अब जब भी मंगवाना एडजस्ट करने वाला मंगवाना था कि साइज ऊपर नीचे हो जाए तो ये चल जाए बिल्कुल। तो अगर इस ब्लाउज की प्राइस की बात की जाए तो इसे मैंने 274 रुपीज़ में मंगवाया था। ये पिछले वाले से थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। जब मैंने पहना था तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था वेयर करने के बाद। सो ये वाली इस टाइप की एक सिल्वर ब्लाउज भी लेकर के रख सकते हैं अपने वार्डरोब में। नेक्स्ट आइटम होने वाली है ये फ्लावर पॉट एंड मैं जो पॉट की बात कर रही थी वो कुछ इस टाइप की ही है। इसमें आपको तीन का सेट मिल जाएगा, इसमें एक सबसे छोटा सा आपको सेट मिल रहा है, फिर इससे आपको बड़ा सा सेट मिल जाएगा एंड ये कुछ एक सबसे बड़ा सा सेट मिल जाएगा। एंड इसको रखने के लिए आपको कुछ इस टाइप से स्टैंड भी मिल जाएंगी एंड स्टैंड के साथ साथ नीचे की साइड में आपको ये ताकि हिले नहीं या फिर आवाज़ नहीं करे ज़्यादा, उसके साथ आपको ये वाला रबर मिल रहा है एंड ये बहुत एक्स्ट्रा मिला था, मुझको पता नहीं बाकी के सारे कहाँ चले गए। सो मैंने इसको सब में असेंबल कर दिया है। कुछ इस टाइप से आप इसको रख सकते हो एंड इसको ऐसे अटैच कर सकते हो, सो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड फिर इसमें आप कुछ इस टाइप से फ्लावर पॉट रख सकते हो, आई होप मैं दिख रही होंगी आपको। सो कुछ इस टाइप से आप इसमें फ्लावर पॉट रख सकते हो। आप चाहो तो किसी पॉट के साथ या फिर किसी मिट्टी के प्लास्टिक में रख के आप इसको एकदम स्थिर कर सकते हो, उसके बाद आप रखोगे तो कहीं से भी हिलेगा नहीं। वैसे ये ऐसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सो ये वाली है मैंने परचेज़ किया है। सो अगर प्राइस की बात की जाए तो इसे मैंने 906 रुपीज़ में परचेज़ किया, मतलब मैं आपको 110% गारंटी दे सकती हूँ कि आपको इतने कम प्राइस में कहीं पे भी, मतलब मीशो तो दूर की बात है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह तो आप छोड़ ही दो, मीशो पे भी अगर आप बाकी के सेलर्स पे देखोगे ना तो आपको कहीं पे भी ऐसे इतने कम प्राइस में नहीं मिलेगा। ये मैंने सबसे कम प्राइस में लिया एंड इसका प्राइस 927 था, फिर जब मैंने डिस्काउंट वगैरह लगाया तो इसे मैंने 906 में परचेज किया। सो 906 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है एंड ये आपको स्टील का या फिर टिन का जो फैब्रिक आता है ना, मतलब मटेरियल आता है, फैब्रिक बोल रही हूँ मैं, मटेरियल आता है ना, कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा ऐसे बजने वाला। सो कुछ इस टाइप से एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत लंबे टाइम तक आपके लिए आपके साथ चल जाएगा एंड होम डेकोर में जब आप रखोगे ना तो बहुत क्लासी लुक देता है ऐसे वाली पॉट्स एंड अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। सो ये वाला मैंने परचेज किया है। सो नेक्स्ट आइटम होने वाली है ये हमारी इस हॉल की सबसे बड़ी सी आइटम एंड ये मैंने यूटेंसिल्स के लिए मंगवाया है। सो जब आप मतलब यूजुअली क्या होता है ना, वैसे तो ड्रॉर्स वगैरह होते हैं किचन में लेकिन ड्रॉर्स में हम ना गीले बर्तन नहीं रख सकते हैं, सो उसको मैंने सुखाने के लिए सिर्फ ये वाला परचेज किया है। इसमें आपको असेंबल करने के लिए कुछ इस टाइप से आपको दो रैक्स मिल जाएंगे एंड ऊपर की साइड पर आप यहाँ पे स्पून वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे प्लेट्स रख सकते हो एंड यहाँ पे आपको सेक्शन बनाने के लिए भी कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है। सो आप दो सेक्शन या फिर तीन सेक्शन बना सकते हो, इसमें दो आपको मिल रहे हैं ऑप्शन, तो कुछ इस टाइप से आप सेक्शन बना सकते हो। सो ऐसा सेक्शन वाला मिल जाएगा। नीचे की साइड पर आप कोई भी बर्तन रख सकते हो जैसे ग्लास कटोरी वगैरह, इससे भी रख सकते हो एंड पानी ना, ताकि आपके स्लैब पर ना जा सके, मैं स्पेशली इसीलिए परचेज किया ताकि पानी स्लैब पर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को अजीब सा लगता है। सो उसको रोकने के लिए आपको नीचे में ये प्लेट भी मिल जाएगी, तो जो भी आप बर्तन रखोगे ना ये आपको डायरेक्ट इसमें से ट्रांसफर होकर आपके प्लेट में आ जाएगी। सो ये वाली की क्वालिटी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड इसे मैंने परचेज़ किया 335 रुपीज़ में। उस समय कोई भी सेल वगैरह नहीं चल रही थी एंड अगर आप सेल के टाइम पे लोगे तो ये डेफिनेटली आपको 300 तक में मिल जाएगी। सो 300 के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लास्टिक एंड नीचे वाला प्लास्टिक थोड़ा सा लूज़ है, ताकि वैसे तो नीचे में आप ये रखोगे ना तो उतना हार्ड वाले प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले का प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो यार डेफिनेटली आप ट्राई करके देख सकते हो इसको, अगर आपको बर्तन वगैरह रखने के लिए कुछ रैक्स वगैरह नहीं समझ आते हैं एंड मैं ऑनेस्टली बताती हूँ मेरे रैक्स में ना बिल्कुल चूहे घुस चुके हैं। जब भी मैं बर्तन रखती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक लगता है, चूहे भी उसमें रहते हैं बर्तन भी उसमें रहते हैं, तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। सो इसलिए मैंने इसको मंगवाया था कि ये बाहर में अच्छे से रह सके। सो या आप ये वाली डेफिनेटली परचेज कर सके, देख सकते हो इसमें और भी कलर्स थे लेकिन ये वाला कलर मेरे किचन के अकॉर्डिंग जा रहा था, सो इसको मैंने इसलिए मंगवाया है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी रैंडम फाइंड वीडियो या फिर होम डेकोर एंड किचन टूल्स की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आप मुझे कॉमेंट में बताना अगर आपको इस टाइप की रैंडम फाइंड या फिर किचन की अप्लाइंसेज और भी देखना पसंद है तो मैं और भी परचेज करूँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना एंड मुझे स्पून के बारे में ज़रूर बताना कि अगर आपको वो सस्ते में मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से मीशो से नहीं परचेज करूँगी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।